करोड़ों करोड़ में छूट दी जा रही है, यह किसी से छुपा नहीं है, चाहे वो मीडिया के साथी हो, चाहे वो बड़े उद्योगपति हो, सभी को छूट दे करके कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। कहने का सीधा मतलब ये है कि हमसे लूटा जा रहा है और लोगों को छूट दिया जा रहा है, या यूं कहिए कि माफ कर दिया जा रहा है करोड़ों करोड़ रुपए। और उसके बाद जब इस तरह की बात करते हैं तो ये लगता है कि इस देश में एक ही काम हो रहा है कि गरीब को गरीब बनाते चले जाओ, अमीर को अमीर बनाते चले जाओ। फासला इतना बढ़ गया है कि एक आदमी के गले में 500 ग्राम का चेन है और दूसरा भूख से बिलबिला रहा है, और उसका नतीजा ये होता है कि आप पूरे देश में देखेंगे तो जो लूट हत्या की घटना में बढ़ोतरी हुई है, इसका भी कारण आर्थिक है। जो आत्महत्या हो रही है वो आर्थिक कारणों से हो रही है। तो पहले जब डबल इंजन की सरकार थी झारखंड में, तब भूख से मौत होती थी, अब हम लोगों ने कम से कम उस पर क्योर किया है, तो फिर और तरह की घटनाएं सामने आती है। तो इन सब चीजों के लिए प्रधानमंत्री जी को हमें लगता है संजीदगी से देखना और समझना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कि इंडिया की बैठक है, इंडिया की तीसरी बैठक होने जा रही है, 5 राज्यों में चुनाव है, तो 200 रुपये कम कर देंगे तो जनता का ध्यान इधर भटक जाएगा। उधर अडानी जी जो घोटाला कर रहे हैं, जो अखबारों में खबरें आ रही है, उससे ध्यान हट जाएगा। आखिर ये कब तक करते रहेंगे? जनता है, सब जान चुकी है। और जो हाल देख रहा हूं, जिस तरह से आप चाहे आटा की बात करें, मुझे याद है 2013-14 में 135 रुपया में जो पिसा हुआ आटा रहता था वो मिलता था, फिर 176 हुआ, फिर 210 हुआ, फिर 300 हुआ, आज 440 रुपया में मिलता है। और अगर उनके साथ ही बेच रहे हों तो और 10 रुपया ज़्यादा मिलता है कि इसमें चोकर भी मिला हुआ है और गाजर भी मिला हुआ है। तो और बाकी आप देखेंगे तो चावल जो 30 से 36 रुपया हुआ करता था, 50 से 65 रुपया हो गया। जो देसी घी 300 रुपये की होती थी वो 875 का हो गया। रसोई गैस के बारे में बता ही चुका हूँ, 410 रुपया उस समय होती थी, आज इतना महंगा हो गया है। पेट्रोल 66 रुपये का था, 100 रुपये का हो गया है, 100.3 पैसा आज के डेट में रांची में उसका रेट है। उसी तरह देखेंगे डीजल 52 रुपये का था तो 95.84 रुपया का हो गया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपने घर में कभी पुराना कोई बिल हो 10 साल पुराना और इसको मिलाएंगे तो पाएंगे कि दुगने से ज़्यादा कीमत बढ़ चुकी है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दवाई जैसी जो आवश्यक चीज़ है, जिसमें वो पहले कहते थे कि तमाम दवाइयों पे छूट मिलेगी और इसमें ऐसा होगा उसमें वैसा होगा, उसमें 32 से लेकर के 100% तक बढ़ोतरी हुई है। तो जब एक तो बीमार पड़ने के लिए कह रहे हैं, दूसरा दवा में बढ़ोतरी कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा है कि जहां जाओगे लूटे जाओगे। तो इस तरह का जो प्रयास चल रहा है, इससे हम लोग आगाह करने के लिए और इस बात का विरोध करने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश में कल धरना भी करेंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे कि देश की जो GDP थी वो किस तरह से गिर रही है, किस तरह से डॉलर के दाम में जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है। जो लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उम्र का हवाला दे करके, अब अगर वो देखेंगे तो मोदी जी के उम्र से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है मामला।
तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जो कच्चा तेल 2014 में की तुलना में 20% कम होने के बावजूद आज भी डीजल पेट्रोल में के दामों में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि उससे 30-40% ज्यादा दामों में बेचे जा रही है। 12 महीनों के में अगर देखेंगे तो डॉलर के मुकाबले रुपया 12% गिर चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। और प्रधानमंत्री जी के लिए सिर्फ चिंता का विषय इंडिया है, इंडिया के घटक दल के लोग हैं, लगातार आरोप लगाते हैं, अपने ऊपर जो आरोप लगते हैं उसका जवाब नहीं देते हैं। तो हम लोग लगातार संघर्ष करते आए हैं और एक बार फिर से हम लोगों ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल किया है। धन्यवाद। बॉटल में है स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशवेल लाइफ डायबिटीज फ्री लाइफ। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।